नमस्कार साथियों, आज हम बात करें भाई यूएई दुबई के बारे में। जी हाँ भाई, फ्लाइटें सबसे ज़्यादा आप वीडियो या नेट पर या कहीं पर भी सोशल मीडिया में अखबार में देखते होंगे, यूएई सरकार का या फिर यूएई की फ्लाइट का जितना ड्रामा चल रहा है ना, कहीं पर भी अभी के टाइम में किसी भी देश का नहीं चल रहा है। मैटर खत्म है यार, बंद पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, बंद पड़ी है, आदमी को कम से कम टेंशन तो नहीं होती है। अब ये कि फ्लाइट के लिए आपको कितनी माथापच्ची करनी पड़ती है, कहीं कहाँ पता लगाओ, किसी ऑफिस में फ़ोन कर रहे हो, एजेंटों के पास कॉल कर रहे हो, और एजेंट आपको ये नहीं बोलते भाई फ्लाइटें बंद हैं, वो बोलते हैं हाँ जी फ्लाइटें चालू हैं। और अपने एयर इंडिया एक्सप्रेस की तो बात ही छोड़ दो भाई, इंडिया जो अपनी इंडियन फ्लाइट जो दुबई जा रही है उनकी तो बात ही छोड़ दो, पर यानी एक फ्लाइट के नाम पे इतना मतलब लोगों के साथ, गरीब बंदों के साथ में चीटिंग होती है कि आप सोच नहीं सकते। जी हाँ, इतने ही भी सरकार ने नियम बना दिए, उनको आप सबको फॉलो कर रहे हो, उसके बावजूद भी ये दिक्कत आ रही है। जी हाँ, हम यहाँ पे फ्लाइट से रिलेटेड या फिर कोरोना के रिलेटेड, टिकट बुक से रिलेटेड, टिकट के बारे में बात करेंगे, वीज़ा वगैरह पूरी हम भैया डिटेल से बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई फ्लाइट के बारे में, दुबई की फ्लाइट क्या क्या बेवकूफ़ी हरकत चल रही है आप सबको पता ही है। ये मैं बता दूं, अप्रैल 24 को फ्लाइटें बंद हुई थी, उसके बाद में अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई आ जाएगा, जुलाई भी ये बता रहे हैं कि सस्पेंड है फ्लाइटें। आप बताओ, मैंने पहले ही आपको, आप अगर मेरे वीडियो रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने पहले ही बताया भाई 3 महीने पहले वे की फ़्लाइटें चालू नहीं होने वाली हैं, या मेरे से लिख के ले लीजिए, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल चुका हूँ। अप्रैल के बाद में मई, जून और जुलाई, आप समझ सकते हैं अगली जुलाई या 21 जुलाई तक की ये घोषणा कर दी गई है कि भाई फ़्लाइटें चालू नहीं होगी। हालांकि देखिए, इसमें भी एक सस्पेंस ये है कि जो यूएई के लोकल अखबार वगैरह वहाँ की जो न्यूज़ रिपोर्ट है वो ये बात नहीं बोल रही है कि 21 जुलाई तक फ़्लाइटें सस्पेंड हैं, लेकिन इंडियन फ्लाइट या फिर इंडिया में ये न्यूज़ चल रही है कि भाई 21 जुलाई तक फ़्लाइटें बंद हैं। अब आप सोचिए जी, 100% जब 6 जुलाई को फ्लाइटें, 6 जुलाई तक फ्लाइटें बंद थी, तो भाई ये 23 जून का क्या मैटर था फिर बीच में, ये मैटर क्यों आया, ये किसने पैदा किया। एक देखिए, 23 जून को फ्लाइट ओपन होने का मतलब करोड़ों रुपए में आप लोगों ने टिकटें बुक करवाई, वो भी महंगी महंगी टिकटें, जो टिकट नॉर्मल भाव में आ रही थी उससे 4 गुना 5 गुना भी आप लोगों ने पैसे देके टिकटें बुक करवाई। जैसे करोड़ों रुपए की टिकटें बुक हो गई, एयर इंडिया एक्सप्रेस या अपनी जो इंडियन फ़्लाइट है उन्होंने बोल दिया जी हम सस्पेंड कर रहे हैं फ़्लाइट, यानी 23 जुलाई से इंडिया के लिए फ़्लाइटें चालू नहीं हैं यूएई दुबई के लिए। तो भैया टिकट बुक क्यों करवाई, आप लोगों ने टिकट बुक सबने सब करवा रखी, आप सबको पता होगा बहुत सारी जनता ने टिकट, हालांकि मैं तो वीडियो में ही बोला, पहले भी बोल रहा था भाई टिकट बुक ना करवाएं, कोई भरोसा नहीं इनका, क्योंकि एक तो आप 4 गुना 5 गुना देके पैसा दे रहे हो, उनके बावजूद भी कोई भरोसा नहीं है कि टिकट आपके हाथ में आ गई, उसके बावजूद भी कोई मायने नहीं रखता कि आप फ्लाइटें आप दुबई वही पहुँच पाओगे। जी हाँ, 21 जून को घोषणा करने की कहाँ जरूरत हो गई कि भाई 23 जून से फ्लाइटें वही के लिए चालू हो रही इंडिया से, 2 दिन में करोड़ों रुपए की टिकटें बुक करवाई हैं लोगों ने, ये आप सबको बताइए, 4 से 5 गुना लोगों ने पैसे दिए हैं। फिर ऐन वक्त पे 24 जून को ये मैसेज आता है जी कि हम फ्लाइट सस्पेंड कर रहे हैं, हमें आगे से एडवाइजरी मिल चुकी है, हमें आदेश मिला है। अब आदेश की कॉपी कोई नहीं दिखाता कि ये देखिए जी सर्टिफिकेट, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट एयर इंडिया एक्सप्रेस या कोई भी फ्लाइट अगर सस्पेंड बोलती है अपने ट्विटर हैंडल पे तो उनको ये बात भी शेयर करनी चाहिए कि ये हमारे पास आदेश हैं, इस वजह से हम फ्लाइटें सस्पेंड कर रहे हैं, कोई आदेश कोई नहीं दिखा रहा आदेश। अब क्या माजरा है भाई, कौन टिकटों के पैसा, एक ये एक ऐसा तो नहीं है कहीं गेम प्लान की करोड़ों रुपए एक जगह इकट्ठे कर लो फिर वो धीरे धीरे वो पैसा अपने एक तरह के बिजनेस माइंड ही बोलेंगे भाई इनको। अभी कल एक न्यूज़ और आ रही थी 25 जून को कि भाई 6 जुलाई को जो फ्लाइटें उम्मीद कर रहे थे स्टार्ट हो जाएगी उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। इंडियन सरकार, इंडियन एयरलाइंस ये बोल रही है कि 21 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया है, यूएई सरकार की तरफ से अभी ये बोला है कि एक्सटेंड हो सकता है। अब ये भी यहाँ पे झोलझाल चल रहा है भाई, आप समझ सकते हैं क्या लोगों की आपकी स्थिति, कैसे जाओगे भाई आप लोग। अब एक तरफ बोल रहे थे इंडियन एम्बेसिडर या उनकी सेटिंग चल रही है, बातचीत हो रही है, उनके ऊपर दबाव दिया जा रहा है कि भाई जो रेजिडेंशियल होल्डर जो वर्कर हैं जो बंदे हैं उनको तो कम से कम यूएई सरकार आने की इजाज़त दे। हालांकि यूएई सरकार गोल्डन वीज़ा, सिल्वर वीज़ा, जो बड़े लोग हैं, कहने का मतलब ये समझ लीजिए जो बड़े लोग हैं वो जा सकते हैं सऊदी दुबई में, लेकिन जो गरीब तबके के मजदूर लोग हैं वो नहीं जा सकते। अब उनको सोचना चाहिए यार यूएई सरकार को कि जो भी वहाँ पर इंडिया में जो दुबई में वर्क कर रहे हैं और वो डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे, बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही हैं, पूरा कंस्ट्रक्शन का 70 से 80% लोग इंडियन लोग हैं,
क्या आप ही लोगों को ज़रूरत है उनको उनकी आप उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, सोचने की बात है ना ये। लेकिन पता नहीं क्या ये लफड़ा चल रहा है भाई, मेरे से समझ में नहीं आया। अभी भी फ्लाइटों पे सस्पेंड है, सस्पेंस ही चल रहा है, अभी कोई फाइनल नहीं है। 6 जुलाई का भी भाई कोई चांस नहीं है कि फ्लाइटें ओपन हो जाएगी, क्योंकि 6 जुलाई तो बहुत दूर पड़ी है। अभी 10 दिन पहले ये अभी घोषणा हो रही है, अनाउंस हो रहा है कि भाई फ्लाइटें सस्पेंड कर दी गई हैं 21 जुलाई तक। इंडिया में ये न्यूज़ चल रही है, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो इनका क्या समाधान होगा। वी सरकार ने इतने जितने भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम बनाए, सब ने लोगों ने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। कोरोना रिपोर्ट तो मांग ही रहे थे, उसके बाद वो भी पहले 96 ओवर था, फिर 72 ओवर्स हो गया, अब 48 ओवर्स का मान लिया, लोग उसको एग्री कर रहे थे। उनके बाद में बोला जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उन्हीं को हम एंट्री देंगे, तो बेचारे बंदे भाग दौड़ करके वैक्सीन लगवा रहे थे या लगा रहे थे। उनके बाद में बोल दिया भाई रैपिड टेस्ट होना चाहिए एयरपोर्ट पे, जो इंडिया में आप जाओगे एयरपोर्ट पे 4 घंटे पहले का एयरपोर्ट पे रैपिड टेस्ट मानेंगे, उसकी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, तब जाके हम आपको एंट्री देंगे। वो भी लोगों ने एग्री कर लिया। फिर बोला हम आपका दुबई आने के बाद में फिर टेस्ट करेंगे, उनको भी उन्होंने एग्री कर लिया। फिर बोला आपको 2 दिन जब तक एयरपोर्ट पे आपकी रिपोर्ट, जो दुबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में जो रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आपको होटल में रुकना पड़ेगा, वो भी एग्री करना ही पड़ेगा दूसरे अलावा को 2 दिन तक, तो वो 500-700 दराम का खर्चा वो भी एग्री कर लिया। ये सब तैयार होने के बाद में बोल दिया अब जी हम फ्लाइट बंद कर रहे हैं आपकी, आप बताओ जी इसका क्या समाधान होगा। अरे तो दूसरे देशों के लोग जब दुबई आ रहे हैं उनको ही कोरोना नहीं हो रहा है, तो क्या इंडियन खास तौर से इंडियन ही लोगों के कोरोना लेके आते हैं क्या, जेब बैग भर भर के कि दुबई में जाते एयरपोर्ट पे कोरोना को छोड़ देना है, वो सब लोगों के चिपक जाएगा, सोचने की बात है ना। यही नियम दूसरे देशों के साथ इनसे कम नियम लागू हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग दुबई में आ रहे हैं। इंडिया के सबसे ज़्यादा हार्ड स्ट्रिक्ट नियम करने के बावजूद और हालांकि लोग फॉलो करने के लिए तैयार हैं कि जी हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उनके बावजूद फ्लाइट सस्पेंड, क्या है ये आंकड़े कहाँ। 4 लाख+ इंडिया में कोरोना के आ रहे थे तब फ्लाइट सस्पेंड हुई थी, अभी 45,000 के करीब आंकड़े आ रहे हैं तब फ्लाइटें सस्पेंड, और अभी 21 जुलाई तक और भाई देखिए अब 1 महीना का सीधा ठोक दिया आगे, 1 महीने तक लंबा चला गया प्रोसेस, कैसे होगा क्या होगा, अभी पूरा सस्पेंड है। अब एजेंट लोगों से आप कॉन्टेक्ट करोगे, वो आपको वीज़ा भी तैयार पड़ा है उनके पास, टिकटें भी तैयार पड़ी है, बस आप पैसा दे दो हमारे पास एक बार आ जाएगा ना, फिर आपको लटका लेंगे हम आराम से, क्योंकि एक बंदे से 40-50 हज़ार से नीचे टिकट नहीं आ रही है। एक एजेंट अगर 10-20 लोगों की टिकट बुक कर लेता है 5-7 लाख-10 लाख रुपए, एक कैंडिडेट, पूरी इंडिया में कितने कैंडिडेट हैं भाई, करोड़ों रुपए का खेल पूरा सिस्टम, वो आगे पैसे दे देंगे एयरलाइंस वाले आपके पैसे पे एकदम कुंडली मार के बैठ जाएंगे, भाई फ्लाइटें चालू होगी टिकट दे देंगे आपको, रिफंड हमारे पास कहाँ है, ये स्थिति है। आप देख लें आपको क्या करना चाहिए, करना तो क्या है भैया, जो भी नियम होगा मन मार के उनको फॉलो करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास चारा और है नहीं। उम्मीद है कि 6 जुलाई को कोई अच्छी अपडेट आ जाए, वो परमानेंट रह जाए यार, क्योंकि वैक्सीनेशन, अब दुबई की बात करें तो भाई दुबई ने कौन सा तीर मार लिया, वी सरकार ने अगर बात करें, जब आज से 4-5 महीने पहले भी 2000 आंकड़े आ रहे थे और वो बोलते हैं 90% जनता के हमने वैक्सीनेशन कर दिया, अरे भाई 90% जनता के वैक्सीनेशन कर दिया, 91 करोड़ के टोटली पॉपुलेशन है वहाँ पे, 1 करोड़ की पॉपुलेशन वीआई में पूरी है, 1 करोड़ से कम ही है समझिए, क्योंकि 1 करोड़ तो तब थी तब कोरोना से पहले, उसके बाद में 15 लाख तो इंडिया आ गए वापस लोग, वो वापस कहाँ गए, और भी देशों के फिर गए होंगे, इतनी पब्लिक तो वहाँ है ही नहीं। सबको वैक्सीनेशन करने के बावजूद दुबई में 2000 आंकड़े पर डे निकल रहे हैं कोरोना के, कहाँ से आ रहे हैं भाई, इंडिया वालों को आपने बैन करके रखा है, पाकिस्तान वालों को बैन करके रखा है, सब देशों को, एशियन कंट्रियों को बैन करके रखा है, तो फिर आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं, सोचने की बात है ना। आप जो नियम बना रहे हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, उनके बावजूद भी उनको नहीं जी, आप एक बार रुक जाओ, अक्टूबर में आप अगले शायद अक्टूबर में या सितंबर में वो एक्सपो 2020 है, 80-70% वहाँ पे इंडिया का रोल रहेगा, सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन हैं, वर्कर हैं या कक्स वाई जेड कोई भी है, स्टॉल वगैरह टोटल सबसे ज़्यादा काम दुबई में इंडिया के लोगों का रहेगा, उनको फ्लाइटों आप बैन करके रखा है, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं। इंडियन सरकार को भी इसमें विदेश मंत्रालय को दखल दे के, उड़ियन मंत्री पूरी साहब हैं उनको कैसे भी इनको करके सेटल करना चाहिए कि भाई फ्लाइटें ओपन करो परमानेंट, ये अब क्या मजाक लगा रखा है, फ्लाइटें बंद कर रहे हैं, फ्लाइटें चालू कर रहे हैं, फ्लाइटें सस्पेंड कर रहे हैं, टिकट बुक कर, लोग सब टिकट बुक करवा लेंगे उसके बाद बोल देंगे फ्लाइटें बंद हो गई, तो इन चीज़ों से थोड़ा बचना ज़रूरी है। वीज़ा का भी भाई ध्यान रखें, अभी कोई वीज़ा वाज़ा नहीं है, लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, वीज़ा के नाम से पैसे दे रहे हैं, वीज़ा दे रहे हैं, वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं, तो इन चीज़ों से सबसे बचने की ज़रूरत है आपको।
काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जीडीआरएफ या फिर आईसी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। अरे भाई कहाँ जरूरत है इसकी, ये तो तब था, तब वीजा आपके एक्सपायर, अब तो लगभग मुझे लगता है 90% लोगों के वीजा एक्सपायर है दुबई जाने वालों के, तो इसकी जरूरत ही नहीं होगी। वो तो स्टेटस चेक करना होता है कि रेड में है तो आप नहीं जा सकते, ग्रीन में है तो आप जा सकते हैं। जीडीआरएफ आईएससी की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी ऐसी कोई न्यूज इसकी मेंशन नहीं की गई है। फ्लाइटें चालू होगी तो भाई आप जा सकते हो। अब उनमें भी किन को वो बुलाएंगे, गोल्डन वीज़ा यानी सोने वाले वीज़े को भी बुला रहे हैं, चांदी वाले सिल्वर वीज़ा को भी बुला रहे हैं। आप लोहे के बने हो भाई, लोखंड के बने हो, जो गरीब तबके के मजदूर आदमी ब्लू कॉलर जॉब वाले होते हैं ना, वो लोहे का वीज़ा समझ सकते हैं आप, उनको एंट्री नहीं है। बाकी पैसे वालों को एंट्री है, गोल्डन वीज़ा सिल्वर वीज़ा वो जा रहे हैं। बड़े लोग हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, राजनीतिक हैं, वो सब जा रहे हैं। सिर्फ गरीब आदमी वो नहीं जा सकता वहाँ पे कमाने के लिए, ये सच्चाई है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। थोड़ा वेट करिए 6 जुलाई तक को, तो बाकी देखते हैं क्या अपडेट आता है, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।